मनचाहा को बंदे को यहाँ से ले जाते हैं पकड़ के, ऐसे करते हैं। अब उसने ये राजेश है ये बोलता मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। गिरफ्तार होता तो आज ये लड़का ना मार जाता तो आज इन्हें बताया दूसरा को बच्चों मार दियो इन्हें। इसके लिए आंदोलन करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। गोविंदगढ़ थाने में FIR होनी थी, उसका मकसद क्या है वहाँ FIR होने का? यहाँ से लड़के को उठा के लेके गए, अपहरण का मामला यहाँ होना था गोविंदगढ़ में। फरीदाबाद पुलिस कस्टडी में मारे गए सैकुल हत्याकांड जैसी एक पुरानी वारदात आज आपको याद दिला रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा साल 2021 11 जून को जमालगढ़ निवासी जुनैद को फरीदाबाद वही पुलिस उठाती है जिसने सैकुल को उठाया था। पुलिस कस्टडी में जुनैद की मौत हो जाती है, उसको लेकर पुन्हाना में भी काफ़ी हंगामा होता है, काफ़ी लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है। इस मामले में 9 पुलिस कर्मियों को मुलजिम ठहराया गया था जिसमें राजेश SI है, SI गुरजीत है, नरेश है, दलवीर है, नरेंद्र है, जावेद है, बसंत है, 4-5 अन्य भी हैं। परिवार का कहना है कि यदि जुनैद वाले मामले में इस परिवार को इंसाफ मिला होता तो आज सैकुल को इस दुनिया से अलविदा नहीं कहना पड़ता। वो परिवार, पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ इन लोगों ने इंसाफ के लिए फरियाद लगाई, इनको इंसाफ मिला या नहीं मिला, पूरी जानकारी इनसे जुटाएंगे। जी अम्मा, क्या नाम है आपका? खतीजा। जुनैद आपका बेटा था? मेरा बेटा हो, इन्हें नहीं मारो जिन्हें राजेश हर नहीं जिन्हें। कितने दिन हो गए जुनैद को मरे हुए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गई, कोई इंसाफ ना मिलो हमारे लोग। अच्छा, हमारा छोटा सा बालक रहेगा दो रोक तो आका। अब हम लोग को इंसाफ मिले ही गवाने तो SP ने खत्म कर दियो। अब हमने झूं को जाकर खटखटाए हो, हम लोग इंसाफ हाई कोर्ट भाई हाथ जोड़ा कर दे सरकार से, हम लोग भाई इंसाफ मिलना चाहिए। आज हमारा इंसाफ मिलता और इनको गिरफ्तार होता तो आज ये लड़का ना मारा जाता तो आज इन्हें बताया दूसरा को बच्चों मार दियो इन्हें। अन्ना से बहुत यार कर लो, हमारे इंसाफ ना मिलो हमारे लोग। उन नहीं मेरो बेटा मारो, उन नहीं पकड़ के लेगा वही उठा के लेगा, उन नहीं मारो। ये वो माँ है जुनैद की जो करीब 2 साल से दर दर भटक रही इंसाफ को लेकर। इनका कहना है कि यदि मेरे बेटे को हमको इंसाफ मिला होता तो आज सैकुल इस पुलिस की भेंट नहीं चढ़ता। और भी लोग हैं, इनसे जानकारी जुटाएंगे। जुनैद जो मारा गया था करीब 2 साल होने को आ रहे हैं जी, कहाँ कहाँ आप लोगों ने शिकायत लगाई, मुकदमा दर्ज हुआ? जी हमने मुकदमा दर्ज कराया यहाँ पुनाना में, बिछोड़ जी वह कैंसिल कर दिया। उनने बोला भाई हम तो नहीं चलने देंगे, उनने कैंसिल करवा दिया। वह पैसा के दम पे जब भी कैंसिल करवा देते हैं, वह किसी को नहीं समझते। राजेश का कहना है, किससे बोला राजेश ने? सरकार मेरी है राजेश कहता है। जिस हम लोग जाते हैं जो छुड़ाने के लिए गए थे उसके पाँव मार मार के ऐसे कर दिए उसने, इंक्वायरी करने वाले सब वही है। तो उसने बोला मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो बोले जैसे भैया, तो उसमें उन्हें कुछ होया और हम ही उल्टे पुलिस ने बांध दिए पहले। ये कहना मेरा, क्या आरोप था आपके ऊपर? कोई आरोप नहीं था, वैसे शादी में गए थे वैसे आ रहे थे, जैसे अब बंदे आ रहे थे ऐसे मुखबर ने कोई गलत फहमी करके तो बंदे उठा लिए, नाजायज उठा लिया और जो बोला मेरे लिए 5 लाख रुपए दे दो राजेश ने बोला, तो ये हमने 5 लाख रुपए हमारे पास है नहीं 5 लाख रुपए, तो ये जुनैद के लिए 1 लाख रुपए दिए हमने, मैं छोड़ दो। जब छोड़ा उसके पैर अच्छे पानी में दिया तो यहाँ अनुपनी मर गया आगे। हाँ, अलविदा कह गया। आप लोगों का मुकदमा दर्ज हो गया था? मुकदमा दर्ज हो गया, उसने ये बोला भाई मैं इसको कैंसिल करवा दूंगा, उसने फिर कैंसिल करवा दिया। तो अभी आप बता रहे थे कि हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा है, वहां से क्या उम्मीद है? तो अब चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, तो हम ऊपर तक भी जाएंगे, तो हम इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ के लिए हमारे लिए वो मिलना चाहिए।